कोविड कर्फ्यू में प्रदेश सरकार द्वारा सप्ताह में केवल 5 दिनों की ढील दी गई है। शनिवार और रविवार को जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। जो भी नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोलन के SDM अजय यादव ने कहा कि दुकानदारों एवं विक्रेताओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश के अनुसार कोविड-19 की सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भी लिया गया है ताकि सोलन में फैलते संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने बताया कि आज शनिवार और रविवार को केवल फल, सब्जी, दूध और दूध उत्पादक दवाइयां, मीट, मछली और अंडे जैसे अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रखने की अनुमति दी गई है। इन दुकानों को खोलने का समय रोजाना की तरह सुबह 9 से 2 बजे तक दिया गया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित सभी ढाबे, खाने के स्थल एवं वाहनों की मरम्मत तथा कलपुर्जों की दुकानें पूर्व में जारी आदेशों की तरह ही खुली रहेंगी। इसको लेके 29 मई को माननीय उपायुक्त महोदय ने जो आदेश जारी किए थे उसमें ये साफ साफ लिखा था कि सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को जो डेली नीड्स की दुकानें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, मिल्क से संबंधित जो दुकानें हैं वो नियमानुसार 9 से 2 तक खुली रहेंगी। इसके अलावा उसी दिन को एक दूसरे आदेश में उपायुक्त महोदय ने ये स्पष्ट किया था, जो केमिस्ट शॉप है हमारी, दवाइयों की दुकान है, वो 9 मई के जो आदेश थे उनके आदेशानुसार वो पहले के समय के हिसाब से खुलते रहेंगे। तो डेली नीड्स की दुकानें और केमिस्ट की शॉप जो है जैसा पहले खुलते रही हैं उसी प्रकार से खुलती रहेंगी और डेली नीड्स की दुकानें 9 से 2 के बीच खुली रहेंगी। इसके अलावा नेशनल हाईवे पे जो ढाबा और रिपेयर शॉप है उनके ऊपर भी 9 मई के आदेश ही लागू होते हैं, तो वो भी 9 मई के आदेशानुसार जो नेशनल हाईवे पे ढाबा और रिपेयर शॉप है वो खुले रहेंगे।